सर ये जो आपने अंदाजे शायरी देखा है, जो उसलूब देखा है तनवीर सोहन साहब का, अब जरा बड़े बड़े कलाकार तो नहीं मिलाने चाहिए, लेकिन आपको मैं दो तीन शेर सुनाता हूँ और मुमासलत आपको तलाश कर लीजिएगा। मस्ताना तय करूं हूं रहे वादी ये ख्याल, मस्ताना तय करूं हूं रहे वादी ये ख्याल, ताबाज गश से न रहे मुद्दा मुझे, खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मुआमला। ये अंदाज सुन चुके हैं आप तनवीर साहब का, अब ये मैं सुना रहा हूँ आपको। खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मुआमला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। और दो शेर और सुनिए। पे नजरे करम तोहफा है शर्मे ना रसाई का, बे नजरे करम तोहफा है शर्मे ना रसाई का, बहू गलती दाए सदरंग दावा पारसाई का, बहू गलती दाए सदरंग दावा पारसाई का, दहाने हर बुते पैगार रजू जंजीर रुसवाई। दहाने हर बुते पैगार रजू जंजीर रुसवाई, अदम तक बेवफा चर्चा है तेरी बेवफाई का। दो शेर और सुन लीजिए। मैं हूँ गुस्ताख के जफा, मुझ पे जफा और सही, तुम हो बेदाग से खुश इससे सिवा और सही, मुझसे गालिब के अलाही ने गजल लिखवाई, यहाँ के गालिब का यहाँ तसल्लुस लेके आऊँ। ये सारा जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ, पहले पढ़े हैं मैंने तनवीर सोहन साहब के और अपने गालिब पढ़ रहा हूँ। सर देखिए कि ये चीजें जो है, ये अंदाज, ये शो की, और ये जो ये आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। 17 मैं हूँ मुझताक के जफा, मुझ पे जफा और सही, तुम हो बेताब से कुछ इससे सिवा और सही, मुझसे गालिब की अदाई में गजल लिखवाई, एक बेदाद करे धन्य फजा और सही। समझिए मैं तनवीर सोहन साहब के ऊपर बहुत गुफ्तगू हो चुकी, उनकी शायरी के ऊपर बहुत गुफ्तगू हो चुकी, और जो जो उनका कैरियर था गवर्नमेंट जॉब का, उसके ऊपर तफसील से आदिल शिरवानी साहब ने एक मकाला लिख के आपके सामने पेश कर दिया, और कोई पहलू उसमें छोड़ा नहीं। सर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफिसर जो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होता है, तो वो दिन उसके लिए दो तरह से मनाया जाता है हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। एक होता है कि जो उसके कुलीग होते हैं वो कहते हैं कि ये दिन हमारे लिए एक तरह से खुशी का दिन है, कि एक बहुत ही मुश्किल काम जो बड़ा रिस्की होता है, सम टाइम हमारे ऊपर तलवार लटकती रहती है जी, फलां गलती ना हो जाए और हमारी सर्विस का मतलब मामला खराब ना हो जाए, लेकिन जब वो कंप्लीट करता है सक्सेसफुली, तो फिर वो एक खुशी का मौका होता है। लाइकवाइज कुछ लोग उसको जरा थोड़ा सा दुखी अंदाज में लेते हैं कि अब वो जो बंदा कंटिन्यूसली हमारे साथ था कई कितने अरसे से, 35 साल से कुछ छोटा अरसा नहीं होता है, 35 साल तक उसका साथ रहा, अब वो बंदा आइंदा हमारे साथ नहीं बैठेगा, अल्लाह से पिछड़ गया। तो दोनों सूरतें होती हैं। आज का दिन सर मैं अर्ज करता हूँ कि जितने भी पुलिस यहाँ मौजूद हैं, इसमें आर्ट्स काउंसिल ने इनको यानी कि इस मौके को सजाया है, और प्रेस क्लब इन लोगों ने, इब्राहिम भाई आपने किया है, और जो करंगी प्रेस क्लब के जो रुख रवा हैं उन्होंने ये काम किया है, आप सब लोग सर आए हैं, और तनवीर सोहन साहब की एक बहुत बड़ी कामयाबी के ऊपर आप इनको मुबारकबाद दे रहे हैं कि आपने एक बहुत बड़ा संगीत तय कर लिया है। गवर्नमेंट जॉब जो स्टार्ट की थी आपने आज से 35 साल पहले, अभी इस महीने में, इस साल में आपने उसको सक्सेसफुली मुकम्मल करके आज एक अफसर शुरू हो गए हैं। उनकी जो वहाँ पे कैरियर रहा है उसके ऊपर जो आदिल साहब शिरवानी साहब ने जो अभी गुफ्तगू की है, मैं समझता हूँ बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, और बिल्कुल ये उनके यानी कि जो उनका स्टाइल रहा है नौकरी करने का, उस